भाई कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आवाज आ रही है सभी को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ भाई फटाफट फड़ जल्दी से क्या मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है जल्दी 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 Am I audible or not? चलो ठीक है सब क्लियर है आ जाओ भाई सबसे पहले फटाफट फड़ स्टार्ट कर देते हैं पहला क्वेश्चन वॉट इज पर्नीशियस हाँ जी क्या है सर पर्नीशियस का मतलब सर पर्नीशियस का मतलब पर्नीशियस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है हानिकारक यानी कि एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है हानिकारक इसके सिनोनिम्स पॉसिबल क्या हो सकते हैं हार्मफुल, डैमेजिंग, मैलिग्नेंट या बेलफुल इन सभी का मतलब क्या है हानिकारक सेंटेंस क्या है इसके लिए स्मोकिंग हैज परनीशियस इफेक्ट ऑन हेल्थ स्मोकिंग के हेल्थ के ऊपर कैसे इफेक्ट होते हैं परनीशियस मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं हानिकारक इफेक्ट्स होते हैं ऑप्शन में अगर हम इसका सिनोनियम डूटे तो फटाफट आंसर दो मुझे कौन सा इसका होगा? इसका होगा अभी मैंने पढ़ाया था हम खोलने लगे तो ऑप्शन देखो फटाफट जल्दी से क्या ऑप्शन होंगे इंप्लोर का मतलब क्या होता है किसी से रिक्वेस्ट करना इंप्लोर मीन टू रिक्वेस्ट समवन किसी से प्रार्थना करना ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है नेसेसरी यानी कि आवश्यक रिक्वायर्ड नेसेसरी आवश्यक और रेकलेस का मतलब क्या होता है रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस रेकलेस मीन्स केयरलेस जिसे हम कहते हैं लापरवाह रेकलेस इज केयरलेस यानी कि लापरवाह तो सारे ऑप्शन भी क्लियर हो गए हैं और ये भी समझ में आ गया होगा और हम बंदर बाबा को भी दिखाएंगे भी फटाफट आप लोगों को हाँ, अगर हो गया हो तो डन करो फटाफट थम्सअप मारो फिर अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर टू ठीक है जी और साथ में ये भी देख लेना ये बाबूजी क्या कह रहे हैं एक बार जरा इसको चेक कर लो ये क्या कह रहा है ये कह रहा है सर सिगरेट पी रहा हूं मजे में मैं ठीक है और भले ही ये मेरे लिए पर्नीशियस है बट आनंद जो सिगरेट पीने में है वो दुनिया के किसी काम में नहीं है ये साहब इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कह रहा है सर मजा आ रहा है, बस ओ, हो सिगरेट के धुएं में जो है ना आनंद है ना बट भले ही पर्नीशियस है हानिकारक है है ना नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपका लुगेबरस अब लुगेबरस कौन सी स्टेट होती है लुगेबरस वो स्टेट होती है मेरे भाई जब हम उदास होते हैं कैसे होते हैं सैड होते हैं उदास होते हैं सैड होते हैं निराश होते हैं हताश होते हैं तो उस स्टेज को हम लोग कहते हैं लुगिबरस लुगिबरस ठीक है जी तो का पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या होता है? होता है और इसका मतलब होता है दुखी होना निराश होना मॉर्नफुल यानी कि दुखी होना ग्लूमी दुखी होना सैड यानी कि दुखी होना अनहैप्पी दुखी होना डिजेक्टेड का मतलब भी यही होता है मोरोज मतलब यही होता है और डिप्रेस मतलब भी यही होता है निराश होना सेंटेंस क्या है राखी जब राखी कैसी दिखाई दे रही थी ठीक है भाई राखी दिखाई दे रही थी निराश कब जब उसका दिल टूट गया दिल नहीं टूटा दिल किस लिए टूटा कैसे टूटा उसका दिल जब वो पास नहीं हो पाई तो उसका दिल टूट गया और वो उस समय कैसी लग रही थी हमें निराश लग रही थी ठीक है कैसी लग रही थी निराश लग रही थी तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा पॉइगनेंट पॉइगनेंट का मतलब क्या होता है निराश वियरी क्या होता है वियरी लिखो टायर्ड वियरी बंदा टायर्ड थका हुआ एफ्लुएंट बंदा कैसा होता है रिच अमीर फ्लुएंट इज रिच और एसॉल्ट का मतलब क्या होता है आक्रमण करना अटैक एसॉल्ट मीन्स टू अटैक या आक्रमण करना हाँ जी हो गया भाई नेक्स्ट अब इसके लिए हम पिक्चर देखें तो इसके लिए पिक्चर हमारे पास क्या है ये भाई साहब बैठे हैं ठीक है थीके? ये चिंटू पांच साल का है ठीक है इसकी महिला मित्र ने इसको धोखा दे दिया ठीक है और ये जाके अपना चुपचाप बैठ गया इस समय ये कैसे मूड में है लुग्युबरस मूड में है निराश है ये कह रहा है मुझे अब दुनिया से कोई परवाह नहीं है है ना और ये वो वाला गाना कौन था ना तेरी कौन सा वाला गाना था वो हनी सिंह का एक गाना था मेरे को याद नहीं आ रहा है ना

पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये भी एडजेक्टिव है इसका हिंदी में मतलब क्या है बिना तैयारी के इसके सिनोनियम क्या क्या हो सकते हैं इंप्रोवाइज का मतलब होता है बिना तैयारी के बिना तैयारी के ऑफ हैंड का मतलब है आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो और बिना तैयारी के जा रहे हो प्रैक्टिस नहीं की आपने एडलिप का भी यही मतलब होता है बिना तैयारी के अनस्क्रिप्टेड <laughs> मतलब जो स्क्रिप्टेड नहीं है और स्पॉन्टेनियस का मतलब भी होता है बिना तैयारी के ये महिला जो है इनको एकदम से इनके बॉस ने बोला कि मैडम आपको बिना तैयारी के स्पीच देना है तो ये सारे लोग खड़े हो गए और ये आते ही एकदम से अचानक से घबरा गई लेकिन इन्होंने स्पीच दिया बट वो बिना तैयारी के दिया सेंटेंस क्या डिजाइन किया मैंने इसके लिए द अनाउंसमेंट वॉज मेड इन एन इम्प्रोम्प प्रेस इम्प्रॉम्प प्रेस का मतलब है वो प्रेस जो तैयारी से नहीं बुलाई गई थी अचानक से बुला ली बस ऐसे ही और बिना प्रिपरेशन के इम्प्रोम प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द एयरपोर्ट एयरपोर्ट पे मान लो आप उतरे और अचानक से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली तो आपने तैयारी नहीं की थी उसके लिए तो इसका सिनोनियम क्या होगा सिनोनियम मैं खोलूंगा जरूर सिनोनियम के लिए पहला वर्ड है इरूडाइट अब इरूडाइट क्या होता है स्कॉलर स्कॉलर बंदा कैसा होता है विद्वान ज्ञानी नॉलेजेबल है ना विद्वान कैसे लिखेंगे विद्वान लिख लेना विद्वान अपने आप एक्सटेम्पर इसका सिनोनियम हो जाएगा क्योंकि एक्सटेम्पर का मतलब होता है बिना तैयारी के ठीक है विदाउट प्रिपरेशन और विजिलेंट क्या होता है विजिलेंट होता है वॉचफुल विजिलेंट होता है सतर्क कॉशियस या वॉचफुल ये होता है विजिलेंट और डेक्सट्रस कैसा बंदा होता है डेक्स्ट्रस होता है स्किलफुल यानी कि निपुण एक ऐसा बंदा जो स्किलफुल हो जो निपुण हो उसे हम लोग क्या कहते हैं डेक्स्ट्रस कहते हैं ठीक है भाई ये क्लियर हो गया यहां तक नेक्स्ट आइए एंटोनियम्स में एंटोनियम्स में पहला वर्ड है टुमुलटस क्या पढ़ेंगे इसको टुमुलटस क्या टुमुलटस मेरे साथ बोलो टुमुलटस ओए नालायक ये चाया लग रख दे क्या पैर ऊपर उठा के पड़ा हुआ टुमुलटस क्या टुमुलटस क्या टुमुलटस ठीक है तो का मतलब क्या होता है ठीक है मुझे पता है तुम सारे लेट के पढ़ रहे हो हैं और अपने सर को खड़ा कर रखा तुमने पे तो तुमिल्टिस तुमिल्टिस क्या अशांत मतलब जब अस्तव्यस्त हो जाए सब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, हो जाए उसे कहते हैं तो इसके सिनोनियम क्या क्या होंगे देखो फटाफट टर्बुलेंट पानी में टर्बुलेंस आता है ना भूचाल आ जाता है तो उसे कहते हैं टर्बुलेंट टेम्पेस आउट ऑफ कंट्रोल है ना clamorous बहुत ज्यादा शोर शराबे वाला vociferous vociferous का मतलब यही होता है बहुत ज्यादा शोर शराबे वाला noisy loud thundering uproarious uproarous क्या होता है disturbance ये पिक्चर देखो सुनामी की ए भाई साहब पानी पूरा उथल-पुथल हो रखा है बिल्कुल है ना तो ये tumultuous हो रखा है tumultuous का मतलब है सब तबाही मची हुई है इसका उल्टा कैसा पानी हो जाएगा peaceful शांत शांत अपोजिट क्या करेंगे अपोजिट ढूंढो अब इसका फटाफट पहले सेंटेंस तो पढ़ा दू आपको इसका सेंटेंस क्या होगा निधि एंड रोहित निधि ने और रोहित ने निधि एंड रोहित मैरिड इच अदर निधि ने और रोहित ने, और रोहित ने शादी की एक दूसरे से आफ्टर अ टमल्टस रिलेशनशिप ऑफ सिक्स इयर्स कितने साल रिलेशनशिप चली उनकी छह साल छह साल रिलेशनशिप चली उसके बाद उन्होंने शादी की और वो छह साल रिलेशनशिप कैसी थी मतलब भूचाल ही भूचाल था भाई साहब छह साल संभाल के से लिए से तो इसका मतलब ये हो गया टिमुलटस अपोजिट बताओ जरा अपोजिट क्या होगा अब इतना पढ़ा दिया तुम अपोजिट नहीं निकाल सकते निक बताओ फटाफट आंसर क्या होगा ऑनस्ट मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी हाँ जी तो इसका अपोजिट क्या होगा ट्रेंक्विल ट्रेंक्विल का मतलब लिखो पीसफुल ट्रैंक्ल मतलब पीसफुल शांतिपूर्ण क्रॉनिक मतलब क्रॉनिक मतलब लॉन्ग लास्टिंग क्रॉनिक मींस लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय चलने वाला ठीक है जी परमानेंट परमानेंट आर्टिकुलेट बंदा कैसा होता है फ्लूएंट जो बहुत ही अच्छे से बोलता है फ्लुएंट क्लियर स्मूथली अच्छे से बोलता है और ट्रिम्प क्या होती है Victory. होती है जीत, Victory. जब लिख लो तो कमेंट बॉक्स में थम्सअप डाल देना फटाफट तब तक मैं अगला वर्ड पढ़ता हूं एनेथमा एनेथमा होता है नाउन इसका मतलब होता है श्राप अभिशाप जो राजा ऋषि देते थे ना पुराने समय में मैं तुम्हें श्राप देता हूं है ना तुम्हारे अगले जन्म में तुम गाय बन के आओगे भैंस बन के आओगे बकरी बन जाओगे तो उसे कहते हैं एनिथमा अभिश्राप ठीक है बेन, बून और सुना होगा आपने वरदान बून बेन अभिश्राप कर्स इम इम्प्रिकेशन ये इसके सिनोनियम हैं वॉयलेंस जो है इज अ काइंड ऑफ एनिथमा ये एक तरीके का श्राप है टू से मतलब पीस शांति के लिए ये एक तरीका का क्या है श्राप है वॉयलेंस श्राप है सर ये लिखी हुई पीडीएफ कब मिलेगी आ, आज की कितनी छह तारीख है ना सात पंद्रह सितंबर से लिखी हुई पीडीएफ मिलने लग जाएगी पंद्रह सितंबर डेट याद कर लो पंद्रह सितंबर से लिखी हुई पीडीएफ मिलने लग जाएगी मैंने अरेंजमेंट करवा दिया है जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा पंद्रह सितंबर से ठीक है जी नेक्स्ट तो भाई अब ये देखो जरा मेलेडिक्शन मैलेडिक्शन का क्या मतलब होता है श्राप डेमनेशन डेमनेशन भी कर्स होता है श्राप और ये है हमारे चर्च में जो वो होते हैं ना मैं तुम्हें श्राप देता हूं है ना आ जाओ Synonyms में आ जाओ फटाफट आंसर बताओ इसका क्या आंसर होगा एंटोनियम बताना है ऑप्शन क्लियर है यहां पे सारे के सारे ये था श्राप अब चाहिए हमें वरदान तो वरदान के लिए ऑप्शन बताओ फ्यूरी क्या होता है एंगर फ्यूरी इज एंगर आक्रोश गुस्सा रेज आर ए जी रेज मतलब गुस्सा एंटाइस का मतलब क्या होता है आकर्षित करना अट्रैक्ट करना बेनेडिक्शन क्या, क्या होता है यही इसका आंसर है ब्लेसिंग्स आशीर्वाद प्रिवेलेंट क्या होता है वाइड स्प्रेड जो चीज चारों तरफ फैली हुई होती है उसे कहते हैं प्रेवलेंट यानी कि वाइड स्प्रेड ठीक है सत्यम यादव सर लर्न नहीं हो पाते हैं उसके लिए एक बाबा तीन सौ पंद्रह उनका नाम है बाबा तीन सौ पंद्रह उनके पास जाके मुझे दवाई दवाई बनवानी पड़ेगी कि भाई मेरे बच्चों को याद नहीं होते और उन्हें रिवीजन करना ना पड़े तो आप ऐसी कोई दवाई बताओ जिससे उनको याद हो जाए तो बाबा तीन सौ पंद्रह जो है तीन सौ पंद्रह की गोली बना के देंगे तैयार खा के उसे सुबह शाम लेना सुबह दूध से लेना और शाम को बकरे के दूध से सुबह सुबह किस का दूध लेना है सुबह लेना है आपको भैंस का और रात को लेना है बकरे का दूध तभी आपको ये काम करेगा फिर इजीली लर्न होगा फिर देखो कैसे लर्न होता है नेक्स्ट अगला वर्ड है सेंटेंस नंबर सिक्स डेस्पी केबल सर डेस्पी केबल का क्या मतलब होता है डेस्पी केबल का मतलब होता है बहुत ही घिनोना बहुत ही बुरा डेस्पी केबल का मतलब है बहुत ही घिनोना बहुत ही बुरा तो ये है एडजेक्टिव एबल जहां लगता है वो क्या है एडजेक्टिव एक ऐसा अपराध जो दुनिया में सबसे घिनौना अपराध हो सकता है जो बुरा अपराध हो सकता है उसे कहते हैं हम लोग ठीक हैफरत है? करने लायक कंटेम्प्टेबल अपमान के लायक बहुत ही घिनौना लोदसम नफरत के लायक इतना घिनौना ऑफुल बहुत डरावना हीनियस क्राइम जगन्य अपराध हेटफुल नफरत के लायक डिटेस्टेबल नफरत के लायक ऑडियस बहुत ही और इसको कैसे याद करोगे मान लो जैसे इसमें पिक्चर दिखाई गई है ठीक है ये एक लड़की की है जिसकी इज्जत को तार तार कर देते हैं लोग ठीक है एक परसेंट नहीं सोचते हैं और किसी की इज्जत को इस तरीके से बर्बाद करना खराब करना इससे बड़ा जगन्य अपराध उसकी जिंदगी में नहीं हो सकता है ठीक है तो ये है यह है आपके लिए वर्ड और यह इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ठीक है ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी ठीक तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल आपको वर्ड समझ में आ गया होगा पिक्चर से ठीक है क्योंकि इससे बड़ा जगन्य अपराध इससे बुरा अपराध कंटेम्पटेबल अपराध नहीं हो सकता है जैसे कि एक बीजेपी के एमएलए थे उन्होंने किया था ऐसा तो उनको पार्टी ने निकाल दिया था ओइंग टू हिज डेस्पिकेबल उसके despicable काम की वजह से उसके इतने बड़े अपराध की वजह से बीजेपी खड़े बीजेपी ने उसे कहा टू लीव द पार्टी कि भाई पार्टी को तुम छोड़ के चले जाओ तुम्हारे लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है तो अब ये तो थे वो लोग जो जगन्य अपराध करते हैं उल्टा है जो ऐसा काम करते हैं जो प्रशंसा के लायक हो प्रशंसनीय काम तो इसका अपोजिट बताओ फटाफट क्या होगा परप्लेक्स का मतलब क्या होता है कंफ्यूज परप्लेक्स मीन कन्फ्यूज या पजल्ड पजल्ड कंफ्यूज विंडिक्टिव क्या होता है रिवेंजफुल जिसके अंदर बदले की भावना भरी हुई हो रिवेंजफुल और रेप्यूडिएट का मतलब होता है रिजेक्ट किसी चीज को रिजेक्ट कर देना डिनाई कर देना नकार देना ठीक है नकारना तो इसका उल्टा क्या होगा कमेंडेबल कमेंडेबल मतलब प्रशंसनीय प्रशंसा के लायक इंग्लिश में इसे लिखेंगे प्रेजवर्दी पी आर ए आई एस ई डब्ल्यू ओ आर टी एच वाय प्रेजवर्दी यानी कि प्रशंसनीय प्रशंसा के लायक ठीक है भाई वो कैब कब तक कंप्लीट हो जाएंगी वो कैब कंप्लीट नहीं होगी कभी भी वो कैब तो ऐसी चीज है जीवन भर पढ़ते रहो जब तक सिलेक्शन ना हो जाए ठीक है पेड़ बैस से पढ़े या यूट्यूब से पढ़े जहां मर्जी वहां से पढ़ो पेड़ में भी पढ़ो वहां भी अलग और यूट्यूब में भी जो कुछ क्लास चलेगी थोड़ी बहुत वहां भी पढ़ना सीडीएस कोई सी में कवर कराओ हाँ हाँ यहीं से कवर कराऊंगा टेंशन ना लो हो गया थम्सअप डालो फटाफट फड़ जल्दी से अगर हो गया हो तो भाई अगर नोट कर लिया हो तो थम्सअप डालो फटाफट सर आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो एनडीए सीरियस में इसी में कवर करूंगा अरे यार कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई लोग तो मुंह फाड़ के कुछ भी बोल देते हैं दो मिनट में नेक्स्ट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग अब मान लो तुम्हें किसी चीज के लिए एक हाथ देना पड़ रहा है और एक टांग देनी पड़ रही है तो इसका मतलब उस चीज को मत ले भाई वो तो बहुत महंगी है तो हाथ भी जा रहा है पैर भी जा रहा है तो इफ यू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग तो इसका मतलब क्या होगा दैट इज वेरी एक्सपेंसिव बहुत ही महंगा हाँ जी एम के लिए भी यस yes. नेक्स्ट गिव द कोल्ड शोल्डर किसी को कोल्ड शोल्डर देना ठीक है भाई अब ये नहीं कि ठंडा शोल्डर देना कोल्ड शोल्डर देने का मतलब है किसी को एक तरीके से क्या कर देना इग्नोर कर देना कोल्ड शोल्डर एक तरीके से फीका सा है ना तो किसी की तरफ ना देखना अब शादी में नहीं होता आप कोई देख रहा है आपको आप इग्नोर कर देते यू गिव कोल्ड शोल्डर है ना तो दैट इज किसी को कोल्ड शोल्डर देने का मतलब है इग्नोर कर देना हाँ ये इडियम हैं नेक्स्ट अगला इन द पिंक पिंक में होने का क्या मतलब है इन द पिंक इफ यू आर इन द पिंक इन द पिंक का मतलब क्या इन द पिंक का मतलब होता है इन हैप्पी मूड बहुत ही ज्यादा खुश होना अगर आप पिंक में हैं, जैसे लड़कियां पिंक कपड़ा पहन के से कैसे हो जाती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं। तो दैट इज कॉल्ड इन द पिंक पिंक में होना मतलब बहुत ज्यादा खुश होना नेक्स्ट ऑन टेंटर हुक्स टेंटर हुक्स में होना क्या मतलब है इसका मान लो रिजल्ट आने वाला है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के मैच से पहले या जब कल जब मैच हो रहा था श्रीलंका का तो पीपल वर ऑन टेंटर हुक्स तो टेंटर हुक्स का मतलब होता है एंशियस बहुत ज्यादा एक तरीके से उत्तेजित होना एक्साइटेड होना किसी चीज को लेके एंक्शियस होना हाँ जी डेली टाइम है क्या ये नहीं डेली टाइम नहीं है टाइम तो अपना वही रहेगा दो बजे का ही सबसे सही है वो टाइम आगे देखेंगे कभी जब दो क्लास लगाएंगे अलग अलग अभी तो टाइम यही रहेगा दो बजे वाला ही चलो जी वन वर्ड सब्सिट्यूशन वन हुट्री डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री जो अपने देश के लिए जो अपने देश के लिए क्या कर देता है भाई जो अपने देश के लिए अपनी जिंदगी को न्योछावर कर देता है किसके लिए अपने देश के लिए अपनी लाइफ को न्योछावर कर देता है उसे क्या कहेंगे वन हु एम्ब्रेसिस वॉलंट्री डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री यानी कि उसे हम लोग कहेंगे शहीद क्या कहेंगे शहीद और शहीद के लिए कौन सा वर्ड होगा इसमें दैट इज बी पैट्रेट नहीं होगा पैट्रेट होता है देशभक्त देशभक्त तो ये शहीद नहीं होता ये देशभक्त होता है जिंदा होता है ड्वाफ क्या होता है ड्वाफ होता है स्मॉल इन साइज जो साइज में बहुत छोटा होता है बोना जिसे आप कहते हैं बोना और फैनेटिक क्या होता है कट्टर फैनेटिक होता है कट्टर जो अपने व्यूज पर अड़ा रहता है अपनी बात पर अड़ा रहता है फेनेटिक होता है कट्टर अगला क्वेश्चन क्या है अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन एक ऐसी जगह जहां पर फल वाले जो पेड़ हैं वो उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं क्या उसे गार्डन कहते हैं या उसे फार्म कहते हैं या उसे औचार कहते हैं या फोना कहते हैं फोना तो कुछ और होता है फ्लोरा एंड फोना फोना में तो एनिमल्स होते हैं जानवर होते हैं एनिमल्स ऑफ एन एरिया किसी एरिया के जो एनिमल्स होते हैं उसे फोना कहते हैं ठीक है तो प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन इसे कहते हैं ऑचार्ड। ए इसका आंसर होगा ऑचार्ड। बाकी गार्डन में तो कुछ भी आ सकता है और फार्म सबको पता है खेत होता है उसमें फ्रूट ट्रीज नहीं होते हैं ठीक है फार्म तो हम खेत को कहते हैं गार्डन हो गया बगीचा है ना बगीचा और फार्म हो गया आपका खेत नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है सोल राइट right. जब केवल आप ही के पास अधिकार हो टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन मान लो मैंने कोई सामान बनाया और इसको बनाने का और बेचने का अधिकार जब सिर्फ मेरे पास हो तो उसे क्या कहते हैं पेटेंट लेटेंट एमिनेंट क्या कहते हैं उसे गोपाल बेटे स्पैम नहीं जब बोल दिया अभी यूट्यूब पे भी क्या समझाया था कि ये स्पेशल मतलब ये बैच एनफ है तो इसे क्या कहेंगे पेटेंट क्या आंसर होगा भाई इसका मेरे पेटेंट इसका आंसर होगा सोल राइट जब केवल आप ही के पास अधिकार हो तो इसे हम लोग कहते हैं पेटेंट क्या कहते हैं जी पेटेंट आंसर क्या हो जाएगा इसका ए पेटेंट लेटेंट क्या होता है हिडन छिपा हुआ एमिनेंट क्या होता है फेमस और रिसीपेंट क्या होता है रिसीपेंट वन हु रिसीव्स समथिंग जो किसी चीज को रिसीव करता है मान लो कोई बेनिफिट है कोई लाभ है सरकार ने पचास लोगों को मकान दे दिया फ्री में तो एक तरीके से क्या होगा रिसीपेंट हो गए यानी कि जो रिसीव करते हैं उसे कहते हैं रिसीपेंट एमिनेंट हो जाएगा फेमस अगर हो गया हो तो फटाफट थम्सअप डालो हो गया डन मेंटेनेंस की स्पेलिंग स्पेलिंग ऑफ मेंटेनेंस और स्पेलिंग ऑफ एडोलसेंस दोनों करो मेंटेनेंस का मतलब होता है मेंटेन करना रख रखाव करना हिंदी में कहते हैं रख रखाव करना तो कौन सी स्पेलिंग सही है दोनों का आंसर दो एडोलसेंस होता है जवानी जवानी और या युवा अवस्था कह सकते हो युवा अवस्था और मेंटेनेंस होता है रख रखाव रख रखाव करना ठीक है या रिपेयर करना बात एक ही है स्पेलिंग दोनों की बताओ कौन सी सही होगी बंद कर दो कहां से ये जी तो मेंटेनेंस की स्पेलिंग एम ए आई एन ई एन एन सी मेंटेनेंस की स्पेलिंग होगी ए और एडोलसेंस की स्पेलिंग ए डी ओ एल ई एस सी एन सी एडोलसेंस की होगी बी युवावस्था यौन अवस्था हाँ जी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन और सेवेंटीन स्पेलिंग ऑफ कंसाइंटस स्पेलिंग ऑफ कंसाइटस कंसाइंटस का मतलब क्या होता है ईमानदार और मेहनती हार्ड वर्किंग हार्ड वर्किंग और ट्यूशन तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो दोनों की स्पेलिंग बताओ फटाफट चलो तो कंसाइंड सी ओ एन एस सी आई ई एन टी आईओ कौन सा होगा सी सेवनटीन का ट्यूशन की स्पेलिंग टी यू टीयू टी आईओ एन या टीयूआई टी आईओ एन ट्यूशन की स्पेलिंग बचपन से पढ़ते आ रहे हो ट्यूशन आप ट्यूशन पढ़ने जाते भी थे तो क्या स्पेलिंग होगी बोलो फटाफट सी टी यू आई टी आई ओ एन टी यू आई आई टी ओ एन ये नहीं होगी ट्यूशन 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 नहीं ट्यूशन नहीं ट्यूशन टी यू टू, आई भी आएगा ट्यूशन टी यू आई टी आई ओ एन और लास्ट स्पेलिंग एरर है एक्सिलरेट जी एक्सिलरेट करना तो एक्सिलरेट करने का क्या मतलब है भाई एक्सिलरेट करने का मतलब है जॉय खुशी मनाना ठीक है Rejoice. तो इसकी क्या स्पेलिंग होगी बी ई एक्स एच आई एल ए आर ए टी एग्जिलेट मतलब जॉय खुशी आनंद मनाना किसी चीज का हम्म बी जी नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी होमवर्क में है क्यों है होमवर्क में क्योंकि ये पहले पढ़ोगे खुद से करोगे तब कराने का ज्यादा मजा आएगा तो ये होमवर्क में है आपके लिए और पी क्यू आर एस जो है पी क्यू आर एस भी होमवर्क में है क्योंकि पी क्यूआरएस तो आप घर से ही करोगे तभी मैं सॉल्व कराता हूं अब आपके लिए जल्दी से फटाफट जी जी मजा आया मजा आया है ना स्पोकन के लिए डेली फाइव सेंटेंस मतलब अरे यार सर हर दिन कुछ नया जोड़ देते हो आप अब हर दिन आपको पांच स्पोकन के नए सेंटेंस मिलेंगे जो आपको डेली पांच यूज करने हैं एक दिन में पचास यूज नहीं कर सकते लर्न कर सकते एक दिन में पांच तो कर सकते हो और आप सोच के देखिए तीस दिन में अगर आपने तीन पंजे पंद्रह डेढ़ सौ सेंटेंस और छह महीने में आप हजार सेंटेंस इतने तो बोलने भी नहीं पड़ते और ऐसे ऐसे साइड जो काम के होते हैं जो आगे चल के काम आएंगे आप लोगों को वो सारे के सारे ठीक है जी जल्दी से एक बार दिल फेंक के मारो तब मैं स्टार्ट करूंगा मुझे भी तो लगना चाहिए कि हां मेहनत हुई है तो मजा आया बात में आ जाओ फटाफट जल्दी से चलो जी आ जाओ पांचों में से पा, पांच पांच के पांच में से पहला सेंटेंस देखो समय से किया गया काम अत्यधिक समय और मेहनत बचाता है अगर आपने कोई काम टाइम पे कर लिया ना तो बाद में उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बाद में उसमें टाइम नहीं लगेगा अगर तुमने अपने एग्जाम की तैयारी समय से कर ली ना पहले से पहले ही तो कल आने वाले टाइम में तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ज्यादा समय लगेगा उस काम को करने में तो समय से पहले किया गया कार्य आने वाली मुसीबतों से बचा लेता आपको आने वाले टाइम से बचा लेता आपको आने वाली मेहनत से बचा लेता है इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे A stitch in time saves nine. मेरे साथ बोलो जल्दी से A stitch in time saves nine. A stitch in time अगर एक धागा शुरू में ही लगा दे मान लो ये मेरा कपड़ा फट जाए तो स्टिचिंग आप चलते सिलना अगर शुरू में ही सिल दिया जाए तो बाद में नौ बार नहीं सिलना पड़ेगा अगर एक शुरू में लगा क्योंकि एक निकलेगा फिर सारे निकल जाएंगे तो अस्ट्रिच इन टाइम सेवस नाइन अगला अब मान लो आपको जैसे आप आप अपने दोस्त से कई बार बोलते हो तुम्हारा जो ये सीधा साधा व्यवहार है ना ये सभी को आकर्षित करता है तुम्हारे अंदर कोई दिखावा और बड़बोलापन नहीं है अब कई लोग होते हैं आप उससे बोलते हैं यार ये या तेरा जो व्यवहार है ना बहुत सीधा सा है और तुम्हारे अंदर ना दिखावापन नहीं है बिल्कुल भी और ना तुम बहुत बड़बोले हो बड़बोले मतलब जो कुछ लोग फेंकते रहते हैं फेंकते रहते हैं बहुत बकवास करता रहता है तो ना तुम्हारे अंदर बड़बोलापन है ना तुम्हारे अंदर दिखावा है और तुम्हारा ये व्यवहार सबको आकर्षित करता है तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे योर इनजेनस एटीट्यूड सर इनजेनस वो कैप भी लर्न हो गया यहां से तो मेरे तो इनजेनस का मतलब होता है सीधा साधा सिंपल

इन सब चीजों से दिखावे से दूर हो इसका मतलब यू आर अवे फ्रॉम ऑस्टेंटेशन कैब और अच्छे से क्लियर हो जाएगी तुम दूर हो यू आर अवे तुम दूर हो यू आर अवे होता है शो ऑफ ऑस्टेंटेशन होता है शो ऑफ दिखावा और ब्रैगिंग क्या होता है ब्रैगिंग क्या डींगे हाक रहा है कुछ लोग होते बड़ी बड़ी फेंकते हैं तो ब्रैग मतलब डींगे हाकना यानी कि हाइपरबोल बोल तो तुम तो भाई बड़ बोले भी नहीं हो मतलब बहुत बोलते फेंकने वाले भी नहीं हो जो फेंकने वाला होता है उसे ब्रैग कहते हैं ब्रैग करने वाला ब्रैगिंग पर्सन और ऑस्टेंटेशन क्या होता है दिखावा तो तुम्हारे अंदर दिखावा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है भाई तो ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लिखा लिखाया है हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है अब आपको यार ये तो रोज यूज होता है रोज डेली स्पोकन में डेली यूज होता है चल नाला जूता मारूंगी तेरे सर में निकाल के मम्मी क्या कहती है बाल कटवा के आ? आप गए बाल कटवा के आए और आते ही एकदम से बोले मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं अंग्रेजी में आके के है? ये क्या बोल रहा है आई हैव गॉट माई हेयर कट ऐसा मत कर देना आई कट माई हेयर आई कट माई हेयर का मतलब पता है क्या है मैंने काट लिए हैं मैंने नहीं काटे कटवाए किसी से कटवाए तो कटवाना है ना कटवाना समझ रहे हो कटवाना मेरा कट गया है <laughs> नहीं वो वाला नहीं चलिए तो मैंने अपने बाल कटवा लिए। आई हैव गॉट माई हेयर कट या ट्रिम ट्रिम मतलब छोटे करना ट्रिम मतलब छोटे करना ट्रिमिंग होती है ना बालों की ट्रिमिंग ट्रिम मतलब ट्रिम भी अच्छा वर्ड है ट्रिम का मतलब भी वही होता है, कट भी कर सकते हो तो ये गॉट माई हेयर कट गॉट मतलब करवाना गेट गेट मतलब करवाना ये कॉजिटिव वर्ब है कौन सी वर्ब है जिसका मतलब होता है करवाना आई हैव गॉट माई हेयर कट मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं हाँ जी तो अब सर अब तो अरे देखो अब तो जैसे ही मम्मी को लगे मैंने कट मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं ठीक है अब ये सर सर चप्पल भी तो पड़ती अरे पढ़ने दो चप्पल माँ की चप्पल नहीं खाई तो क्या खाया जीवन में दूरी बढ़ने से प्यार बढ़ता है तुम कश्मीर और हम कन्याकुमारी जितनी दूरी है तुम्हारी उतनी ही दूरी हमारी ठीक है जितनी दूरी उतना ही प्रेम बढ़ता है लोग जब दूर चले जाते हैं ना तब हमें कीमत ज्यादा समझ में आती है दूरियां बढ़ने से इंसान के अंदर प्यार बढ़ जाता है ठीक है तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी दूरी बढ़ने से प्यार बढ़ता है एबसेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फॉन्डर एबसेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फॉन्डर एबसेंस मेक्स Absence मतलब जब दूरी हो जाए आप ना रहे किसी के पास मेक्स द हर्ट दिल में और क्या होता है फॉन्डर प्यार बढ़ जाता है तो दूरियों से क्या हो जाता है प्यार बढ़ जाता है नेक्स्ट अब एक सेंटेंस तुम्हें हर दिन पढ़ रहे हो चाचा के बच्चे बड़े भाई के बच्चे दीदी के बच्चे पड़ोसी के बच्चे किस किस के बच्चे बच्चे ही बच्चे भाग यहां से परेशान कर दिया क्या है दिमाग खराब कर रहे? फिर आप चिल्लाओगे इन्होंने मेरी नाक में दम कर दिया है परेशान कर दिया इन्होंने मुझे बड़े शरारती है ये यहां से चल मैं अपने यहां जा तो इसको कैसे फिर उनकी मम्मी आती है या कोई जो भी तुम्हारा भाई है फिर तुम क्या कहोगे तुम्हारे बच्चे बहुत ही उत्पाती हैं

your children are very boisterous अब उन्होंने अंग्रेजी में बोला चुपचाप निकल लो वहां से इसके आगे अभी पता ही नहीं अभी सर ने एक ही क्लास ली है your children are very boisterous इन्होंने मेरी नाक में दम कर दिया ये तो रोज मत मतलब। तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है सर में दर्द कर दिया मेरे ये तो किसी को भी बोल सकते हो they have pestered me like anything like anything का मतलब होता है बहुत ज्यादा और pester का मतलब होता है नाक में दम करना मतलब तो रोज आना चाहिए मेरी नाक में तो दम ही रहता है पड़ोसी पड़ोसियों को यूज करूंगा देखता हूँ like सारे फूल कुचल दिए इन्होंने अब होता है ना सामान कुचल देना तो फूलों पर चढ़ जाना है ना तो देव पेस्टर्ड मी या दे है, है ट्रोडन ऑन फ्लार्स तो कुचलने के लिए वर्ड क्या है ट्रेम्पल ट्रेम्पल का मतलब होता है क्रश कुचलना या ट्रेड मतलब चलना उनके ऊपर कुचलना तो जैसे कहते हैं ना इन्होंने सारे फूल कुचल के रख दिए हैं यहाँ से सारा सामान मेरा खराब करके रख दिया है तो ट्रेम्पल मतलब उसको कुचल देना ठीक है भाई तो ये थे आपके स्पोकन के जहर सेंटेंस ऐसे ही हर दिन यू ही बढ़ते रहेंगे ठीक है और हम नई नई चीजें लिखते रहेंगे ठीक तो मजा आ गया कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ नहीं टाइमिंग ये नहीं रहेगा टाइमिंग कल से अपना दो बजे वाला टाइमिंग रहेगा उसी पे हम लोग रहेंगे दो बजे वाले टाइमिंग में ही हम अपनी क्लास रखेंगे ठीक है और यूं ही मैं नई नई चीजें बनाता रहूंगा नया नया चीजें और तुम्हें जब तक बैच खत्म होगा पता नहीं क्या क्या चीजें और तुम्हारा दिल यूं गद 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 गद, -गद, 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 -गद ऐसे होता चला जाएगा ठीक है क्योंकि तुमने अपने सर पर भरोसा किया और आपको पता है भरोसा है ना ठीक है भाई तो ये शीट आपकी मैं डलवा ये तो शीट शायद अपलोड है नहीं इसमें उप क्यू वाली और सेंटेंस वाली नहीं ना ये नई वाली है। मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा था तो ये मैं अभी डलवा रहा हूं ये अपलोड हो जाएगी इसको डाउनलोड कर लेना ठीक है कल दो बजे की क्लास में प्रिपोजिशन पढ़ाऊंगा वो कैब नहीं पढ़ाऊंगा उस समय पर और जल्द ही एक हफ्ते के बाद कोशिश करने वाले हैं कि दो क्लास हो जाए फिर तो बस मजा ही मजा है एक बैच में दमादम ग्रामर उड़ेगा और एक बैच में वो कैब स्पोकन और ये सब कुछ उड़ेगा और ये खतरनाक माहौल बनने वाला है ठीक है तो बस यहीं तक रखते हैं ठीक है आप फटाफट ठीक है आप फटाफट जाके इसको डाउनलोड कर लेना और इसके नोट्स बना लेना ठीक है और स्पोकन के नोट्स सुन ले हो नालायक स्पोकन के नोट्स अलग से बनाना पांच सेंटेंस डेली लिख पांच सेंटेंस डेली लिख के उन्हें बोल दूरी बढ़ने से प्यार बढ़ता है कोई स... बेकार में कोई तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है जब कभी समझ में आएगी तब पूछना हमसे ठीक है इतना यूज कर दूंगा इतना यूज कर दूंगा किसी ने सोची ना होगी ठीक है तो हर चीज का आनंद लेते हुए मजे लेते हुए करो ठीक बाकी मिलेंगे कल आपसे बारह बजे के टाइम पे ठीक है नहीं सॉरी दो बजे के टाइम पे प्रपोजिशन के लिए तैयार है ना सारा रिविजन करके आना तो यहीं तक रखें तब तक के लिए जय हिंद जय भारत